स्वागत करता हूं आपका अपने मासिक राशिफल में, जिसमें आज हम बात करेंगे तुला राशि की कि तुला राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही साथ दोस्तों, आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व आउट कर पाऊँ। तुला राशि वालों का ये महीना मिक्स बैग की फीलिंग लेकर आएगा। आपका जो भाग्य है, आपका जो लक फैक्टर है, वो आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। माता पिता अथवा पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता आपको रह सकती है। वैवाहिक जीवन अनुकूल बना रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये महीना अनुकूल है, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने में अनुकूलता रहेगी, लेकिन घर के परिजन की किसी की समस्या, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया, वो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। मेंटल स्ट्रेस आपको इस महीने रह सकता है, और लेकिन जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। अध्ययन में उनका जो फोकस है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, मतलब स्टडी में उनका फोकस काफ़ी अच्छा होगा। माह के उत्तरार्ध में राहत अनुभव करेंगे और गुरुजनों का सहयोग आपको मिलेगा। इस माह के उत्तरार्ध में किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। ऐसी यात्राएं सडन होंगी। यात्राओं में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। नौकरी पेशा के लिए भी समय जो है रहेगा वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी स्थान परिवर्तन आपके होंगे वो आपके अनुकूल ही होंगे। व्यापारियों के लिए भी समय मध्यमकारी रह सकता है। धन निवेश से बचना होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त धन के लेन देन में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जोखिम भरे निवेश और धन निवेश किया तो बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। शनि और गुरु का वक्री होना आपको परेशान कर सकता है, और हालांकि जो बाकी ग्रह रहेंगे वो आपके लिए सही रहेंगे, तो मध्यम रहेगा। अप एंड डाउन वाला थोड़ा सा देखने को आपको ये महीना मिलेगा। 6, 7, 8, 16, 17, 24 और 25 को विशेषकर अपना ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा अवलोकन मैंने आपको करके दिया, बहुत ही साधारण था, सामान्य था। आपकी कुंडली पर क्या असर होता है वो आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आप उनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा और पर्सनल एनालिसिस आर पेड, उसकी निश्चित एक फीस आपको देनी होती है। देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे बने रहिएगा।